हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेट सेट एंड क्लिक। आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ लाइटरूम ट्यूटोरियल की। इसमें मैं आपको लाइटरूम की इन डेप्थ नॉलेज दूंगा। ये कोई क्रैश कोर्स नहीं होगा, ये डिटेल्ड ट्यूटोरियल होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के इस एपिसोड में मैं लाइब्रेरी मॉड्यूल के बारे में बताऊँगा। लाइब्रेरी मॉड्यूल वो है जहाँ पे आपके सारे इंपोर्टेड इमेजेस आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके जितने भी इमेजेस आप इंपोर्ट करते हैं वो लाइब्रेरी मॉड्यूल में ही सेव्ड होते हैं। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं नेविगेटर। नेविगेटर बेसिकली आपके सिलेक्टेड इमेज का एक छोटा सा प्रीव्यू देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको स्क्रॉल भी करता हूँ तो प्रीव्यू चेंज नहीं होगा जब तक आप मैं किसी और इमेजेस पे क्लिक नहीं करता। जैसे कि यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो प्रीव्यू चेंज हो गया। हियर, अगर आपको इमेजेस को लार्ज स्क्रीन पे देखना है तो स्पेस बार दबा देना। ऑलराइट, नेविगेटर में आप जहाँ पे भी क्लिक करेंगे वहाँ पर जूम इन हो जाएगा लाइक दिस, और आप इसे मूव कर सकते हो। फिर से स्पेस बार दबा दो, जूम आउट हो जाएगा और कीबोर्ड में जी दबाने से ग्रिड व्यू दिखेगा। ये ग्रिड व्यू है। कैटलॉग में बेसिकली आपके इंपोर्ट किए हुए सारे इमेजेस रहते हैं। ये नया कैटलॉग है, इसमें ज्यादा इमेजेस नहीं है। फोल्डर्स, ये कंप्यूटर के फोल्डर्स को दिखाता है। जहाँ जहाँ से आपने इमेजेस को इंपोर्ट किया है वो फोल्डर्स लाइटरूम यहाँ पे मैप कर देता है। कलेक्शंस, ये बेसिकली आपके इमेजेस का कलेक्शन है जो आपको क्रिएट करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने मेरे 5-स्टार इमेजेस का एक कलेक्शन बनाया है लाइक दिस, और विदाउट कीवर्ड्स के ये इमेजेस हैं, लास्ट मंथ के ये इमेजेस हैं। इस तरीके से आप इन यहाँ पे जाके अपने इमेजेस का कलेक्शंस बना सकते हो। यहाँ से आप अपने इमेजेस को डायरेक्टली किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर सकते हो। अगर आपको आपका सोशल मीडिया लिंक यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो फाइंड मोर सर्विसेज ऑनलाइन पे क्लिक करके जा सकते हैं। ओके, तो ये था लेफ्ट साइड वाला पैनल। आपने जितने भी इमेजेस को अब तक इंपोर्ट किया है वो सारे यहाँ पर दिख जाते हैं। ओके, अब दिखने में ये काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड लगता है, बट ऐसा है नहीं। इसे आप यहीं पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मेटा डेटा यानी लाइटरूम ने इन इमेजेस को ईयर, कैमरा और लेंसेज के हिसाब से ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ठीक है, ये आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। इसमें लाइटरूम ने ये सब खुद ही किया है। एट्रीब्यूट यानी ये चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, जैसे फ्लैग करना या स्टार रेटिंग देना। अगर आप सिलेक्ट करोगे 1-स्टार तो 1-स्टार और हायर रेटिंग वाले जितने भी इमेजेस होंगे वो आपको दिख जाएंगे। 2-स्टार एंड हायर, 3-स्टार एंड हायर। ओके, अगर आप एग्जैक्टली 3-स्टार, 2-स्टार या 1-स्टार वाले इमेजेस चाहते हो तो इसे क्लिक करो रेटिंग इक्वल टू। ओके, अब ये सारे के सारे इमेजेस है जिनकी स्टार रेटिंग 3-स्टार है। इनमें से कोई भी एट्रीब्यूट अगर इमेज को देना है तो सिंपली राइट क्लिक, और यहाँ पे ये ऑप्शन, फ्लैग के ऑप्शंस हैं, रेटिंग के ऑप्शंस हैं और कलर लेबल के, और टेक्स्ट में टैग बेस्ड सर्च होता है। अगर आप इमेजेस को इंपोर्ट करते वक्त आपने उसे टैग किया है किसी नाम से तो वो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। जैसे मैं सर्च करता हूँ देश, ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारे के सारे इमेजेस गदेश्वर लेक
एक लेक है यहाँ पे, वहाँ पर क्लिक किए हुए हैं। तो जैसे मैंने गदेश्वर टाइप किया, सारे इमेजेस आ गए। अगर आपको इन चीज़ों को लेकर कोई भी सवाल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उनका जवाब ज़रूर दूंगा। नाउ लेट्स मूव टू राइट साइड पैनल। ये बेसिकली हिस्टोग्राम है, जो भी इमेज इस पर आप क्लिक करोगे उसका हिस्टोग्राम आपको दिखाई देगा। अगर आपको नहीं पता हिस्टोग्राम रीड कैसे करते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं अगले वीडियो में उसे ज़रूर डिटेल में कवर करूँगा। अगर आपने कोई प्रीसेट सेव किया है तो उसे यहाँ से सेलेक्ट करते हो कर सकते हो। वाइट बैलेंस बेसिकली ये क्विक डेवलप पैनल है, जहाँ पे आप छोटी मोटी डेवलपमेंट कर सकते हो या एडिटिंग कर सकते हो। क्विक डेवलप, वाइट बैलेंस, टोन कंट्रोल, एक्सपोजर क्लैरिटी, वाइब्रेंस, ओके। बट आई वुड सजेस्ट कि आप डेवलप में ही जाके ये सब करो, थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोल मिलता है। यहाँ पे आप इमेजेस को टैग कर सकते हो, जैसे कि एक मिनट मैं टैग करके दिखा देता हूँ। अब मैंने इस इमेज को सिलेक्ट किया है और गदेश्वर लेक, अब इसको एंटर। देखा आपने, यहाँ पे एक आइकन आ गया, ये बता रहा है फोटो हैज़ कीवर्ड्स, मतलब आपने इसको टैग किया हुआ है कीवर्ड्स से। अब जब भी मैं इस नाम से सर्च करूँगा तो ये इमेज आ जाएगी। लेट्स डू इट, सी वैसे ज़रूरी नहीं है कि टैग्स लाइब्रेरी मॉड्यूल में ही लगाना चाहिए, आप इंपोर्ट करते वक्त भी लगा सकते हो। लेट मी जस्ट शो यू, बाय डिफ़ॉल्ट सारे इमेजेस चेक हो जाते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप अनचेक ऑल करके उन इमेजेस को ही सिलेक्ट करो जिन्हें आपको एक्चुअली इंपोर्ट करना है। सो लेट मी इंपोर्ट दीज 3 इमेजेस, उनको मैं चेक कर लेता हूँ। अप्लाई ड्यूरिंग द इम्पोर्ट कीवर्ड, अब इसको मैं लगाता हूँ ट्रिप। ट्रिप 1, अब जैसे ही मैं इसको इम्पोर्ट करूँगा इसमें ऑलरेडी टैग लग के आएगा। सो इम्पोर्ट, ओके, देखा आपने यहाँ पे इसमें ऑलरेडी टैग लग चुका है और यहाँ पे दिखा रहा है कि ट्रिप 1। ऑलराइट, ओके, यहाँ पे जो कीवर्ड्स के सेट हैं, ये जो अभी तक आपने यूज किए हैं वो सारे के सारे कीवर्ड हैं। ओके, कीवर्ड लिस्ट में जितने भी कीवर्ड्स आपने यूज किए हैं वो पूरा का पूरा लिस्ट यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे दिखाता है कि उसमें कितने फोटोज हैं। मैं इस फोटो को लेता हूँ तो ये 30 फोटोज हैं। ओके, अब लेट्स सी, वेरी लॉन्ग एक्सपोजर 50 mm, ये एक फोटो है। ये 38 फोटोज हैं गदेश्वर लेक स्टेट में। मेटा डेटा आपके इमेजेस के पूरा डिटेल देता है, जैसे यू समझ लो उसका प्रॉपर्टीज हैं, फाइल नेम, फोल्डर, किसने इमेजेस क्लिक किए हैं, कब क्लिक किए हैं, ये सारी डिटेल्स इसमें आ जाती हैं। ओके, तो ये था लाइब्रेरी मॉड्यूल। अगर इसके रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उनके जवाब ज़रूर दूंगा। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली बार अगली वीडियो में। टिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम।